तो सरदार के पीछे भागा था ना, क्या हुआ उसका, मिला के नहीं? मिला ना। कहाँ? पूल में। पूल में? हम दोनों उसी में गिरे थे। फिर क्या हुआ? फिर पानी में आग लग गई। ए भाई, हम लोग उस सरदार जी के बारे में पूछ रहे हैं। मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या मुखड़ा है, क्या आंखें हैं, क्या होठ हैं। ऐसे लगता है कि ऊपर वाले ने सारे स्टाफ को छुट्टी देकर अपने हाथों से उसे बनाया है। अरे हम इनका दुपट्टा भी ऐसन पकड़ता हूँ जैसे आरती का दिया। और तू इस देवी को ऐसे उठा के लाया है, का समझा है? आटे का बोरी। इसमें इन लोगों का भी मिस्टेक हुआ नहीं है ना, आप खुद ही दर्शनवाजो नहीं देती हैं। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। कौप कौप देवी जी, 12 लाख रुपया निकलता है तुम्हारे ऊपर, 3 लाख लौटा दीज, बचे 9 लाख वो कौन देगा? उस रुपए के लिए हम अपनी जवानी ढलने का इंतजार कर रहे हैं या तुम्हारे सबब पे आने का? देखो, जितनी जल्दी हो सके मैं लौटा दूंगी। पीपी पीपी यादव नाम है हमरा, बुझले का? यहाँ खड़े सभी लोगन से पूछ ले, 13 साल के थे हम जब हम दरभंगा से यहाँ आए थे। साला इसी क्लब के नीचे हम कंडेरी बेचा करता था, कंडेरी। इस क्लब के मालिक का लड़का हमसे रोज कंडेरी खाता था पर पैसा नहीं देता था। एक दिन हम पैसा मांगीस तो साला हमको हड़का दिया, हमारी खोपड़िया घूम गई। चीर दिया साले का कला इसी चाकू से, करवा दी उसकी खोपड़िया पार्सल वापस दरभंगा। और एक नहीं, ऐसा इस शहर में 12 क्लब हैं हमरे, 12। साला एक से एक टॉप क्लास मक्खन मलाई हमरे कस्टमर को इम्पोर्टेड शराब पिलाता है। और एक हम हैं कि हमरा दिल इस देसी धनिये की चौटनी पर आ गया है। बात करी, दिल ही तो है। एक ऑफर है हमसे, हर महीना
9 लाख रुपया ले लो, खर्चा पानी के लिए। बस गंगा कसम, हमारी पॉट रानी बनने के लिए हाँ कही तो। अबे ओ उजड़े मजार की बुझती हुई अगरबत्ती, लड़की को क्या डराता है? आप उनसे बात कर। इस ससुर का नाती कौन है बे? एक नई अदा आज देखेगा जमाना, खुद क्षमा को लेने आया है परवाना। ए महाराज, अरे कोनू बाप का दुकान है का, जो बिना कीमत दिए हुए माल ले जाओगे? बुझले का आए? इसका भाई हमरे क्लब में 12 लाख हार गया था, 3 तो मैडम चुका दीस, तू 9 दे जा और ले जा। जुए में आ रहे थे ना, जुए में लौटाऊंगा। का मतवल? 3 पत्ते तेरे सामने हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह। तुझे से बेगम पर हाथ रखना है। सही निकला तो लड़की तेरी, वरना 9 लाख बराबर। आज देखो लगा दिए हैं तुमको दांप पर युधिष्ठिर महाराज। अब बोलो मंजूर है? मंजूर है। हार गए हैं तुमको युधिष्ठिर महाराज, अब चलिएगा आप हमारे। अब का है भैया? पीपी यादव नाम है हमरा, एक कर रहे हो चीज उस साले को। आज के बाद फिर ना लेना मुझसे पंगा, वरना पहुंचा दूंगा दरभंगा। छोटा भाई है मेरा, कद का क्या बड़ा हो गया, खुद अपने आप को सचमुच बड़ा समझने लगा। ड्रग्स लेता था, ताज्जुब हो रहा है ना? भाई ड्रग एडिक्ट, बहन चोर, ऐसे नहीं थे हम। पापा हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे, मामी के गुजरने के बाद कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। प्रिंसिपल थे कॉलेज में, एक दिन हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही चल बसे। उनके मरने के बाद गवर्नमेंट से मिला हुआ घर भी चला गया। कॉलेज छोड़कर मैंने नौकरी कर ली, सोचा कि मैं नहीं पढ़ सकी तो क्या हुआ, भाई को बहुत काबिल बनाऊंगी। इसने कब कैसे बुरी आदतों की सारी डिग्रियां हासिल कर ली मुझे कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन कुछ लोग आए और कहा कि इसने जुए में 11 लाख रुपए हार दिए हैं, रकम नहीं चुकाई तो इसकी जान ले लेंगे। उसी खौफ से आजाद होने के लिए इसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, वो तो बाद में मारते, ये खुद मौत के मुंह में चला गया। इसका इलाज और इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए मेरे पास और कोई जरिया नहीं था। शरीफ से शरीफ आदमी भी एक बेसहारा औरत की मदद करने का मुआवजा मांगता है, इसलिए मैंने लूटने के बजाय लूटने का तरीका अपना लिया।
जरा जरा सा याद है। 7-8 साल का हूंगा मैं। दिवाली की रात थी, अनाथ आश्रम के बाहर बहुत रोशनी थी, पटाखे चल रहे थे, खुशियां थी, और हम सब बच्चों के अंदर अंधेरा था, खामोशी थी। मुझसे रहा नहीं गया, दीवार फांद कर मैं बाहर गया और एक दुकान से बहुत सारे पटाखे चुराए और लाकर बच्चों में बांट दिए। थोड़ी देर के लिए हमारी जिंदगी में भी शोर था, खुशियां थी, रोशनी थी। फिर वो दुकान वाला पुलिस लेकर आ गया, बहुत मारा। वो आधे घंटे की दिवाली आज भी याद है। एक बात बताओ, अगर तुम मुझे जुए में हार जाते तो? अपनी जीत तो नक्की थी। वो कैसे? गुलाम और बादशाह हाथ में थे और बेगम साथ में।